होता है। और दो हजार छह का जो बम ब्लास्ट हो बड़ा कब्रस्तान में हुआ था, असीमानंद ने ये बात बिल्कुल कबूल किया कि वो ब्लास्ट भी हमने किया। इस तरीके की कबूलनामा होने के साथ साथ आज गौ रक्षा कार्यकर्ता अगर महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की वारदात अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव के गौ रक्षा कार्यकर्ताओं का भी चौकसी होना चाहिए। कहीं इनसे लिंक तो नहीं है, इनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन इनको पैसा लगा रहा है इनके पीछे, ये मैं समझता हूँ आज चौकसी करने की जरूरत है सरकार को। और मेरी ये डिमांड है कि सरकार ने हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर ये पूरी चौकसी होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब से सरकार का परिवर्तन हुआ, चाहे राज्यों में या केंद्रों में, जब से लेके मालेगांव के भी आरोपी एक के बाद एक छुट्टे जा रहे हैं। जो 2008 में हुआ साध्वी छूट गई, कर्नल छूट गए, 2006 के अंदर असीमानंद को हैदराबाद के अंदर क्लीन चिट मिलती। बोलने का मतलब आज इंक्वायरी सरकार की तरफ से ईमानदार तरीके से होगी ऐसा हमको शक है, नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं समझता हूँ हाईकोर्ट की निगरानी में चौकसी होना चाहिए। सब इसमें महाराष्ट्र से।